हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सर्च कोना चैनल में। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रोड नेटवर्क डायग्राम कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, जो ईवीसी नेट ज्योग्राफी पेपर में पूछा जाता है और ये बहुत ही इजी होता है सॉल्व करने में। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है, ठीक है, जो नए स्टूडेंट है, जो फ्रेशली ग्रेजुएशन सॉरी मास्टर्स करके जो नेट में फर्स्ट टाइम बैठ रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बहुत ही इजी है, तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये नेटवर्क डायग्राम रिलेटेड। और यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, ये है दिसंबर 2015 में पूछा गया था, ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 8 पॉइंट दिया गया है, ठीक है, 8 पॉइंट दिया गया है। और आपको इस पॉइंट की बेसिस पे ठीक है, आपको सिलेक्ट करना होगा आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ इनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, ठीक है। तो 1 कैसे हुआ एक करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। देखिए तो इस क्वेश्चन में देख पाएंगे टोटल 8 वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, ऊपर ऊपर 8 वैल्यूज दे दिया, नीचे भी 8 वैल्यूज दे दिया। और ऑप्शन में देखिए 0 ऑन, ठीक है, 0 और ऑन एक वैल्यू दिया रखा है। तो 0 क्यों हो रहा है और ऑन क्यों हो रहा है, ये आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 0 तभी हो रहा है जब सपोज कीजिए एक पॉइंट से, नंबर 1 पॉइंट से आप जाएंगे नंबर 4 तक, ठीक है, नंबर 4 पॉइंट पे जाएंगे। तो नंबर 4 पॉइंट जाने के लिए आपको 7 को क्रॉस करके जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, नंबर 1 पॉइंट से आप जा रहे हैं नंबर 4 पॉइंट, तो क्रॉस कर रहे हैं नंबर 7 को, तो ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट को क्रॉस करके जाना जाना पड़ रहा है, ठीक है, दूसरी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो होगा 0 की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, और अगर यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए, 8 पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, तो आप इजीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर वैल्यू, ठीक है, अदर पॉइंट, आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो है 1 रहेगा, वो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट आप जा पा रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। और अगर आप एक से यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू रहेगा 0। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, अगर किसी के साथ डायरेक्ट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे अगर डायरेक्टली आप जा पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वैल्यू होगा 1। और अगर नहीं जा पा रहे हैं, कोई इसके बीच अलग कोई पॉइंट है, तो वो रहेगा 0। तो एक तरफ से हम लोग मैच कराते हैं, देखिए, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट करते हैं नंबर 1, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 से नंबर 1 पॉइंट में जाएंगे, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो 0 हो गया, ठीक है। 2 पे देखिए, नंबर 1 से 2 नंबर पॉइंट पे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पर, सॉरी आ गया, 1 से 2 पॉइंट पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो है 1 है। देखिए नंबर 1 से अगर फिर आप 3 पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर देखिए 3, नंबर 1 से आप 3 जाएंगे, तो ये देखिए 2 को क्रॉस करना हो रहा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे अगर जाएंगे तो आपको 7 को क्रॉस करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 है वैल्यू है। 5 पे देखिए, नंबर 1 से अगर आप 5 पे जा रहे हैं, फिर देखिए डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं, 7 है, 4 है, अगर इधर से जा रहे हैं 2 है, 3 है, नीचे से जाएंगे तब भी पॉइंट है, 8 है, 6 है, इसलिए जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। नंबर 6 पे देखिए, नंबर 6 पे भी 7 है, 8 आ रहा है, ठीक है, 1 से आप डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं,
तो 0 होगा। नंबर 7 पे देखिए, नंबर 1 पॉइंट से नंबर 7 पॉइंट पे आप डायरेक्टली जा पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। और देखिए नंबर 1 से अगर 8 पे जाएंगे तो ठीक है, वो भी आप डायरेक्टली जा पा रहे हैं, तो उसका वैल्यू जो हो गया जी सॉरी 1 हो गया। इस बार 2 को चेक कर सकें, 2 देखिए 2 से 1 पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, 2 से 1 जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जा पा रहे हैं, तो उसका वैल्यू 1 है। नंबर 2 से 2 ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए 0 है, ठीक है। और 2 से 3 जा रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जा पा रहे हैं, तो नंबर 3 पे देखिए, नंबर 3 जो रो है कॉलम है उसमें 1 वैल्यू है, ठीक है। अगर नंबर 2 से अगर आप नंबर 4 पे जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरा मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नाम बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली मैच करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ही है जो सिलेक्ट की है, वो दिसंबर 2015 सॉरी 14 में पूछा गया था, पेपर 3 में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम जो पिछला जो क्वेश्चन डिस्कस किया, सेम टू सेम ये भी है, ठीक है। उसी तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ एक को। तो पहला पॉइंट जो सिलेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, ये जो चार ऑप्शन होता है ए बी सी डी, तो ए होता है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये को हम लोग ये पॉइंट से हम लोग मैच कराता है, शुरू करते हैं मैच कराना। नंबर ए पॉइंट, ए पॉइंट से ए पॉइंट में आएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, उसका वैल्यू तो 0 रहेगा, ठीक है। ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे देखिए डायरेक्टली आप जा पा रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। ए पॉइंट से सी पॉइंट पे अभी अगर जा पा रहे हैं डायरेक्टली, तो इसका जो पॉइंट होगा सी पे देखिए 1 होगा। ए पॉइंट से अगर डी पॉइंट पर जा रहे हैं तो किसका मदद चाहिए, सी पॉइंट का मदद चाहिए, डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो गया 0। तो ए पॉइंट से अगर आप ई पॉइंट पे, डी के बाद ई आता है, ई पॉइंट पे जा रहे हैं, तब भी आपको चाहिए किस दूसरी पॉइंट का मदद, बी और सी। अगर इधर से जा रहे हैं तो बी की पॉइंट से ऊपर जाना होगा, और इधर से जा रहे हैं सी के ऊपर, तो इसका भी वैल्यू हो गया 0, डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं। और एफ पे तो ए से एफ तक नहीं जा पा रहे हैं, किसी दूसरी पॉइंट के थ्रू जा पा रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू हो गया 0, ठीक है। बी का देखिए, बी से ए पे आ रहे हैं डायरेक्टली, तो इसका वैल्यू होगा 1। बी से बी तो इसका ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया। बी से सी जा रहे हैं, तो सी को जाने के लिए आप डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं, ए के थ्रू जाना होगा, और ई के थ्रू यहाँ से इधर और इधर से यहाँ आना होगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो गया 0। बी से अगर डी पॉइंट पे जा रहे हैं, देखिए बी से अगर आप डी पॉइंट में जाना चाहते हैं, तब भी आपको इधर से क्रॉस करना होगा, यहाँ से क्रॉस करना होगा इस पॉइंट को, तब जाके यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा 0। बी से अगर ई पॉइंट पे जाना चाहते हैं, देखिए ई पॉइंट, बी से ई यहाँ पर डायरेक्टली आप आ पा रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू हो गया 1, ठीक है, डायरेक्ट है। बी से एफ अगर आना चाहते हैं, तो फिर देखिए बी से अगर एफ आना चाहते हैं तो किसको क्रॉस करना होगा, ई, तो इसका जो वैल्यू हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके सेम तरीके से आप मैच कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जून 2015 पेपर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम में दिया गया है चार जो है एलिमेंट्स, तो चार कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स देखिए, स्कूल है, देन हॉस्पिटल है, देन रेलवे स्टेशन, देन पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए मैप पे कितना सेक्शन है, एक टोटल 8 सेक्शन में, ठीक है। तो 8 सेक्शन में कौन सा एलिमेंट है आपको यहाँ पर चेक करना होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर टोटल 8 सेक्शन है, तो यहाँ पर देखिए 8 सेक्शन, और एलिमेंट जो है चार एलिमेंट, यहाँ पर चार एलिमेंट, जिस पॉइंट में जितना पॉइंट से एलिमेंट रहेगा, ठीक है, उसी के नीचे वैल्यू यहाँ पर हम लोग को चूज करना सिलेक्ट करना होगा, देखना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे देखिए यहाँ पर
चारों एलिमेंट है, ठीक है, तो चारों एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए चारों एलिमेंट के अंदर वैल्यू जो रहेगा वन 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 रहेगा, ठीक है। सेकेंड पे देखिए, सेकेंड पे देखिए दो वैल्यू दिए हैं, दो दो कंपोनेंट दिए हैं, वो है एक दिए हैं रेलवे स्टेशन जी, और दिए हैं प्लस पे है हॉस्पिटल, दो एलिमेंट दिए हैं हॉस्पिटल और रेलवे। देखिए टू पे देखिए यहाँ पर प्लस देखिए हॉस्पिटल है ये, और ये जो वो का सिंबल है वो है रेलवे स्टेशन। देखिए रेलवे स्टेशन पे वन वैल्यू है, देखिए टू नंबर ऑप्शन पे, और हॉस्पिटल पे है ऑन, ठीक है। नंबर थ्री पे चेक करते हैं, नंबर थ्री पे है स्कूल है, हॉस्पिटल है और पोस्ट ऑफिस है। नंबर थ्री पे देखिए स्कूल है, स्कूल है इसलिए वहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो वन होगा। हॉस्पिटल यहाँ पर देखिए यहाँ प्रेजेंट है इसलिए वन होगा। और देखिए रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ पर, देखिए रेलवे स्टेशन का जो सिंबल है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा जीरो रहेगा। और लास्ट में देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है, ये रहा पोस्ट ऑफिस, एक मिनट, पोस्ट ऑफिस है इसलिए देखिए यहाँ पर नंबर वन वैल्यू है, ठीक है। नंबर फोर पे जाते हैं, फोर ऑप्शन पे देखिए दो वैल्यू है, एक पोस्ट ऑफिस सॉरी एक है हॉस्पिटल और दूसरा स्कूल। नंबर फोर पे देखिए स्कूल पे देखिए एक वैल्यू दे दिया, इस प्रेजेंट है इसलिए एक वैल्यू, और हॉस्पिटल में हॉस्पिटल भी प्रेजेंट है इसलिए एक वैल्यू। देखिए रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे, तो यहाँ पर वैल्यू रहेगा जीरो जीरो। तो इसी तरीके से आप पूरा 8 वैल्यू तक मैच करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, हो गया होगा आपका। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये वाला वीडियो, कि वो उसको भी पता चले कि कैसे इसको सॉल्व कर पा करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.